ठीक है, सब होने और स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इससे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया था, उसमें रेडमी 4 को हमने अनबॉक्स किया था। ये फर्स्ट फ़ोन है जो एंड्रॉयड वर्जन में आया है, एंड्रॉयड 1। तो और यहाँ पे देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि मेड इन इंडिया है। एक्चुअली मेड इन चाइना की वजह से यूजर्स को कम परचेज करते हैं इंडिया में खासतौर पर। तो अच्छा, ये पहला एम आई का पहला फ़ोन है जिसमें डुअल कैमरा है और प्योर एंड्रॉयड है। स्नैपड्रैगन है 625 एंड 13.9 सेंटीमीटर 5.5 इंचेस इसकी स्क्रीन साइज है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर इसकी सील जो है खुली हुई है तो इसे एक्सेप्ट ना करें। तो इसकी सील जो है मैं देख रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन साइज जो है 5.5 इंचेस है और ये डुअल कैमरा इसका। पहले आपको फोन दिखा देते हैं, इसका डुअल कैमरा आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इसे। और ये सेंसर है, इसका ब्रांड और ये एंड्रॉइड 1। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा स्लिम है, आप देख सकते हैं कितना स्लिम है ये। आपको कंपेयर करने के लिए मैं इसमें दिखा देता हूँ कि ये एप्पल की स्क्रीन है। खैर, एप्पल जितना तो स्क्रीन स्लिम नहीं मिलने वाला आपको। और दोस्तों हाँ, ये है कि काफ़ी अच्छा है, लुक अच्छा है इसका। तो अभी देखते हैं इसको स्टार्ट करके इसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो स्टार्ट, इसकी बैटरी रिमूव नहीं होगी, इसमें डिफॉल्ट है। तो स्टार्ट हो गया, फर्स्ट टाइम इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि लोडिंग होती है, इसके सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लोड हो रहे होते हैं। तब तक मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। तो बॉक्स में ओके, यहाँ पे इसकी पिन है जो आपके सिम निकालने के काम आएगी। और फोन में मैंने पैकिंग चेंज कर दी है तो आप इस टाइप से निकाल पाएंगे इसको। दोस्तों ये इसका चार्जर है, चार्जर काफ़ी हैवी लग रहा है, पहले के मुकाबले कुछ इसमें बेहतर किया है। और ये डेटा केबल है और इसके साथ ये बॉक्स में है, इसका मैनुअल है। तो ये इसके साथ आया है, मैनुअल है, चार्जर, डेटा केबल और चार्जर। तो फ्रेंड्स, ये हेडफोन और लीड ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, आपको ये बाहर से परचेज करना पड़ेगा, इसका ड्रॉबैक है। तो MI के किसी भी ब्रांड के साथ आपको लीड या हेडफोन या ईयर पीस नहीं मिलने वाला, तो आपको खुद परचेज करना पड़ेगा। आप MI स्टोर से भी ले सकते हैं इसको या अदर फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी ले सकते हैं। तो देखते हैं ये फ़ोन स्टार्ट हो चुका है और इसमें इंसर्ट सिम कार्ड के लिए कह रहा है, तो सिम कार्ड इंसर्ट कर देते हैं इसको।
देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर एक हाइब्रिड वाला भी है, एक मिनी सिम, दो चीज़ें चला सकते हैं इसके अंदर, दो सिम चला सकते हैं या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बस सिम इंसर्ट हो गई है, सिम कार्ड डिटेक्ट कर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अगर चेक कर दिया मैंने यहाँ पर सिम आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको थोड़ा फास्ट दिखाता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। लेट्स गो, कॉपी डेटा कर सकती हूँ, आईफोन एंड्रॉइड फोन, और आप यहाँ से एक देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको कि आप अपना डेटा जो है वो कॉपी कर सकते हैं कहाँ से, आईफोन से, एंड्रॉयड डिवाइस और क्लाउड से। तो मैं इसको कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये सेव हो चुका है और ये कनेक्ट हो रहा है चार्जिंग पर अपडेट। हार्डली इसमें 2 या 3 मिनट लगेंगे, बाद में लूंगा। तो यहाँ पे नहीं लगेगा, अब यहाँ पे आपको फिंगर प्रिंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, राइट फिंगर प्रिंट प्रिंट प्लस पैटर्न, इसमें ऑप्शन दे रहा है आपको फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न, फिंगरप्रिंट प्लस पिन और फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड। तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है जहाँ पे फिंगरप्रिंट के साथ आप पैटर्न, पिन या पासवर्ड लगा सकते हो। तो मैं इसके साथ में पैटर्न लगाना चाहता हूँ। रिक्वायर्ड पैटर्न टू डिवाइस, जब भी आप डिवाइस को स्टार्ट करेंगे तो पैटर्न मांगेगा वो, तो मैंने मोटेंस दे दिया, पैटर्न मैंने दे दिया, पैटर्न रिकॉर्डेड, नेक्स्ट, पैटर्न रिकॉर्डेड, कंफर्म। ओके, अब ये फाइन सेंसर, यहाँ पे देखना कि आपको बार बार फिंगर लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे मैं फिंगर लगाएंगे किसी भी एंगल से लगाएंगे तो वो काम करेगा, इसलिए वो आपसे बार बार करवाएगा। तो अब मैंने टच किया इसको, फिट हो चुका है, डन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो दोस्तों ये फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, सेटअप हो चुका है इसका। फ्रेंड्स जो मैंने अब तक के MI फ़ोन चलाए हैं उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क लग रहा है मुझे देखने में, क्योंकि इसका जो सेटिंग आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, आपको स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, ठीक है। और सेटिंग में देखते हैं हम, फ़ोन की इंफॉर्मेशन हो जाती है अबाउट फ़ोन, हाँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले जिस स्टेट्स का लीगल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, रेगुलरिटी लेबल्स आ रहे हैं, मॉडल नंबर यहाँ पे देखिए आप, मॉडल नंबर क्या है इसका, MI A1। आपको एंड्रॉयड वर्जन दे रहा है 7.1.2, बाकी इसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, फोन सिग्नल और ये सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इसने काफ़ी कुछ चेंज किया है, मेमोरी जो है इसकी देख लेते हैं, 1.2 इसका जो GB है आपकी यूज मेमोरी दिखा रहा है अभी, जो रैम होगी इसकी 4 GB है, और बाकी इसकी रोम है जो वो है 64 GB, जिसमें से आपका दिखा रहा होगा यहाँ पे 8.31 GB आपकी यूज है, और 58.24 आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपकी सेटिंग वाला ऑप्शन हुआ, आप इसमें से आप देख के इसको चेंज कर लेंगे, और मेन पार्ट जो है इसका कैमरा जिसकी वजह से ये फेमस है वो देख लेते हैं, लॉक कैमरा बनाया है। ओके, परफेक्ट मोड,
करते हैं दोस्तों। अगर मैं इसकी फोटो लेता हूँ जो कीज है वो क्लियर देखने चाहिए। ओके, यहाँ पे एच डी आर और एच डी आर को क्लोज कर रखा है। एच डी आर हमने कर दिया। एच डी आर में दोस्तों एक चीज़ होती है कि आपकी जो फाइल होती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है, बट पिक्चर क्वालिटी आपकी बढ़ जाती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन दे रखा है, फ्लैश ऑटोमेटिक कर सकते हैं आप, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ, इस टाइम ऑफ है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। फोटो ऑन कर दिया आपने, तो एक पिक्चर लगती है और तो ये आपका कैमरा हो गया। उसके बाद आप देखते हैं इसमें 2x 3x1x इसमें ऑप्शंस में देखेंगे क्या क्या देते हैं। तो यहाँ तो जैसे कि कैमरे की बात कर रही थी, इसमें डुअल कैमरा वाटरमार्क इसमें आएगा, ऑन कर दोगे तो, और इसमें ऑफ कर दोगे तो नहीं। अच्छा, इसमें ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें मुझे कुछ नया तो नहीं दिखा। हाँ या ये है, इसमें ग्रुप सेल्फी का ऑप्शन जो है दे रखा है, इसमें नया है ये। अब देख सकते हैं ये ऑप्शन जो है ग्रुप सेल्फी वाला, इसमें नया दे रखा है। और बाकी 1:1 का है स्टेटस एंड 1:1 और ऑडियो HSD एक ही। तो जो मेन सेल्फी वाला दे रखा है ऑप्शन, ये आपका नया है। ओके तो फ्रेंड्स, ये इसका कैमरा क्वालिटी हुई। इसका जो इसमें हाँ MI आपको एक फैसिलिटी और देता है, आपका MI रिमोट पे इसमें ऑप्शन होता है। आप रिमोट किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे आप डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप AC चला सकते हैं, आप TV चला सकते हैं, आप कोई भी 10 का या फिर किसी भी जो केबल प्रोवाइड कर सकते हैं उनका आप डिवाइस चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं इससे। तो अच्छी खासी रेंज है इसकी। मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, और जैसे इसमें यूट्यूब पर इसकी वॉइस एंड साउंड आपको पता चल जाएगा कैसा है। तो लेट्स सी, वीडियो क्वालिटी और साउंड आपको दिख जाएगा। That is befitting of the wind of change that she represents. The less you do, the less you say, or think, or feel, or breathe, or exist, the better. Well, that's fine for the sovereign. But where does that leave me? I think we're both queer can't go on like this. So I thought we might take this opportunity to lay our cards on the table and talk frankly for once. This happy breed of men, this little world, this blessed plot,
this earth, this realm. तो आपने देखा इसके वीडियो जो क्वालिटी है अच्छी है और जो साउंड क्वालिटी वो भी अच्छी है, तो स्क्रीन साइज के साथ आपको वीडियो देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो क्वालिटी देखी इसमें और आपने देखा कि साउंड कैसा है, कैमरा भी देख लिया आपने। तो अब मैं इसको बताना चाहूँगा कि मैं इसको 10 में से 9 मार्क्स दूंगा, क्योंकि हाँ ये 5.5 इंचेस का है तो इसको थोड़ा कैरी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो 5.5 इंचेस लवर्स हैं वो आप ज़रूर ले सकते हैं। फ़ोन बहुत स्लिम है, इसका लुक बहुत प्यारा है और इसमें कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, स्पीकर भी अच्छा है। इसमें हाइब्रिड स्लॉट है जिसमें आप एक सिम चला सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। जो ड्यूल कैमरा है वो आपको डिजिटल कैमरे वाले इफेक्ट देने वाला है, तो आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज़ करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है आप उस पर क्लिक करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।